नमस्कार डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री के अंदर हम अब पी ब्लॉक एलिमेंट में नया ग्रुप 17 के अंदर जा रहे हैं। 17 ग्रुप मतलब अपना हैलोजन ग्रुप। ये हैलोजन ग्रुप क्या होता है, इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, एफ सी एल बी आर आई एटी एंड लास्ट एक है टी एस टेनेसिन। दिस इज द न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। तो ये नया आया है, लेकिन इसमें हम ज्यादातर कौन से एलिमेंट्स की चर्चा करते हैं, एफ सी एल बी आर एंड आई। एफ मीन्स फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन, एटी एस्टेटिन बोलना है आप सबको तीन तीन बार, ऐसे आपको पता है टेनेसिन। टेनेसिन अब आ रहा है इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2NP5। ये क्या है, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। कैसे हुआ है सर, तो 18 ग्रुप की है NH2NP6, एक इलेक्ट्रॉन लेस है सबमें, और इसकी वजह से दे आर मोर रिएक्टिव। ये लोग जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, यहां पे आ गए। ऑनली फ्लोरिन हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज it contain higher electronegativity comparatively other element of periodic table group। नहीं, पूरे periodic table में सबसे ज्यादा अगर किसी की electronegativity है तो वो है आपका fluorine। And so अधर मीन्स अधर हेलोजन कंटेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर वो ऑक्सो एसिड भी हो सकता है या तो ऑक्साइड भी हो सकता है, उसके अंदर आपके अधर हैलोजन का क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये तीनों ये लोग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बना सकते हैं। क्लोरीन कभी पॉजिटिव नहीं बना सकता। ये मैं ऑर्डर लिख लेता हूं, एफ इज ग्रेटर देन ओ इज ग्रेटर देन अनदर सी एल बी आर आई। समझ में आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कितना चार्ज ध्यान रखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्लियर है दोस्तों। दूसरी चीज, इट इज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक एफ टू सी एल टू बी आर टू एंड आई टू, डाई फ्लोरिन, डाई क्लोरिन, डाई ब्रोमिन एंड डाई आयोडीन। दोस्तों दिस बोथ आर गैसेस, इट इज लिक्विड एंड ये जो है वो सॉलिड है। दूसरी चीज, ये सब स्पेसिफिक कलर्ड एलिमेंट है। योर क्लोरीन इज कलरलेस, क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन, ब्रोमीन इज ब्राउन एंड वायोलेट, आयोडीन इज वायोलेट सॉलिड। तो ये रेडी है दोस्तों, ये इतने एलिमेंट जो है वो सारे कलर्ड एलिमेंट्स। तो ये ऐसे ऐसे कलर और उसके फिजिकल स्टेट्स जो है ये है। अनदर उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमें खुद अलग से अंदर से रीड करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब हम इसके मेन टॉपिक पे जा रहे हैं। मेन टॉपिक है
रिप्रेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। चलो रिप्रेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन गैस वो क्या होगा, तो वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले कि भाई डाइक्लोरीन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, कौन सा, उसके अंदर एक वर्ड आता है क्लोरस। क्लोरस वर्ड है ग्रीक में, अगर हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो दिस इज द वन काइंड ऑफ कलर नेम इन अ ग्रीक, तो वो कौन सा कलर है, तो द नेम ऑफ दैट कलर इज ग्रीनिश येलो या तो येलोइश ग्रीन, ये कलर होता है, तो दैट इज कॉल्ड क्लोरस। अकॉर्डिंग टू क्लोरस वी नो दैट द नेम ऑफ Cl2 इज क्लोरीन। नाउ प्रिपरेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की लेबोरेटरीज, तो फर्स्ट रिएक्शन आएगा लेबोरेटरी के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि लेबोरेटरी के अंदर अगर फर्स्ट रिएक्शन आ रहा है तो MnO2 प्लस कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन होने वाला है। किसके साथ, कंसंट्रेट HCl। तो आप सबको पता है ये दोनों अगर रिएक्ट करेंगे तो इसी एक का पॉजिटिव आयन दूसरे का नेगेटिव आयन से रिएक्ट करके Mn+2 और Cl MnCl2 जो हम बनाना चाहता है वो Cl2 मिलेगा और यहाँ पे H2 और O2 कंबाइन होकर हम मिल जाता है CH2 को। तो ये फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गया दोस्तों। बैलेंस करने की बात है तो सीधा सारा गणित है यहाँ पे मैथ से कि 2 + 4 है यहाँ पे क्लोरीन, तो 4 तो HCl कर दूंगा तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो 2 + 4 करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो ये MnO2 के साथ रिएक्ट करने से ये भी हो सकता है। एक इसका एक ऑप्शन वो भी है, अगर आप HCl सीधा रिएक्शन के अंदर नहीं ले रहे हो तो क्या कर सकते हो, अगर सीधा नहीं ले रहे हो तो नमक प्लस H2SO4 डालो उसमें, ये क्या डाल दिया सर। तो आगे के वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में हमने उसका प्रॉपर्टी देखी है कि इट कैन यूज टू फॉर्म अनदर एसिड ड्यू टू इट्स लो वोलेटिलिटी लाइक HF, HCl एंड HNO3। तो ये रिएक्शन के अंदर NaOH के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, सॉरी NaOH नहीं NaCl के साथ, क्योंकि आपका सॉल्ट है और सल्फ्यूरिक प्लस माइनस होते HCl गैस इसी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये भी एक अलग से रिएक्शन आप ध्यान में ले सकते हो। सेकेंड रिएक्शन आ रहा है विथ KMnO, हम MnO2 की जगह लेबोरेटरी में हम ले रहे हैं KMnO4, तो भी हमें सिमिलर प्रोडक्ट मिलेंगे जैसे कि K+Cl- KCl MnO4 में से ये MnO2 MnCl2 बन गया। अब ये Cl2 हम जो बनाने जा रहे हैं वो क्लोरीन को अभी तक लिखा नहीं है, प्लस इसमें से HNO निकल के आपको मिल जाता है वाटर H2O। तो ये सारी चीजों से ये तो पता चल गया कि इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट है, वो रिएक्शन सिर्फ इतना फर्क है दोनों में क्योंकि इसमें MnO2 था MnO4 है, ताकि सब कुछ सिमिलर है लेकिन ये के है तो KCl बन जाएगा। अच्छा बैलेंसिंग करना चाहोगे अगर इसकी तरह तो फर्स्ट चाहोगे, इसीलिए हम एक टॉपिक सिंपल लॉजिक दे रहे हैं आगे कि कभी भी ऐसे बड़े बड़े रिएक्शन का बैलेंसिंग करना हो तो एक नंबर याद रखो, तो जिसमें दिया जाता है उसी में याद रखो, सब में नहीं, बाकी के तो सब आप खुद भी ट्राई करके इजीली कर सकते हो जो आपको एग्जाम में भी दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन स्पेसिफिक अगर नंबर दिए जाते हैं तो आपको स्पेसिफिकली उसको याद रखो। 2-1-6 का मतलब होता है कि MnO4 के जो मोल है वो 2 हो जाएंगे और 1
16 का मतलब हो जाए 16 किसके है HCl के, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं ये दो है तो हम दो कर देंगे, Mn also 2 तो हम 2 कर लेंगे। और यहाँ पे आप अगर देखोगे कि भाई क्लोरीन की बात हो रही है H2 की बात है तो ये कितने हैं 16, तो मेरे पास H2 एक ही है तो 8 2 का 16 हो जाएंगे। अब बचे हुए क्लोरीन की बात करो 2n4 6, तो इट इज कॉल्ड 5Cl2। सो वी कैन से द प्रिपरेशन ऑफ डाइक्लोरीन गैस वी कैन राइट इन रिएक्शन लाइक दिस। सेकंड इन इंडस्ट्रीज फर्स्ट, उसमें फर्स्ट मतलब ये हो जाता है डेथिंग प्रोसेस, ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने देख लिया है, तो उसमें क्या किया जाता था HCl गैस में से तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, कैटलिस्ट ले रहे हैं Cl2 और कुछ टेम्परेचर ले रहे हैं 278, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एमसीक्यू के लिए, तो हमें मिल जाता है हाइड्रोजन गैस फ्रॉम HCl एंड H1O गिव्स H2O। बैलेंस करना चाहोगे तो ऑक्सीजन को करो तो 2 ऑक्सीजन तो 2 टू द 4 हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर हाइड्रोजन फॉर दोस 4 क्लोरीन टू Cl2 एंड सेकेंड इसका रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन को मतलब मैं लिख रहा हूं कंसंट्रेट NaCl और सी वॉटर, तो आपको ध्यान देना है कि ब्राइन वॉटर क्या होगा, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होगा, कुछ भी नहीं है, कंसंट्रेटेड NaCl को ही ब्राइन बोला जाता है। आप सबको पता है जब भी हमने इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड यूज किया है तभी हमने ऐसे एक फिगर में दो इलेक्ट्रोड रखे हैं, उसके अंदर एक एनोड है उसके साथ बैटरी है और दूसरा कैथोड ए बी सी करके लिखा है, ये प्लस और ये माइनस बन जाता है क्योंकि एनोड पॉजिटिव है कैथोड नेगेटिव है। अब इसमें मैंने लिया है मैंने प्लस एनसीएल माइनस का ब्राइन, ब्राइन इज नॉट अ मल्टन NaCl बट इट इज अ कंसंट्रेट NaCl तो उसमें पानी भी रहेगा। अब मैं बता देता हूं अगर ये आपका एनोड पॉजिटिव है तो इसमें से नेगेटिव आयन अट्रैक्टेड टुवर्ड द एनोड एंड एक्ट एज अ ऑक्सीडेशन, सो ऑक्सीडेशन होने से Cl माइनस कन्वर्ट इनटू Cl2 बट योर Na प्लस वॉन्ट्स टू मोव्स टू कैथोड बट वॉटर कैन रिड्यूस इटसेल्फ इजीली कंपैरेटिवली Na प्लस, सो वॉटर इज गोज टू कैथोड एंड वी हैव H2। Cl2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ऐसे हमें डाइक्लोरीन गैस इससे मिल जाता है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। प्रॉपर्टी हमने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की है, बहुत सारी प्रॉपर्टी की तो चर्चा ऑलरेडी हुई है। सबसे पहले उसका कलर है ग्रीनिश येलो, सेकंड इट्स अ गैस, थर्ड वन पॉइजनियस गैस, सो पॉइजनियस गैस ये कॉमन उसके टॉपिक हो जाएंगे। उसका बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं तो बॉइलिंग पॉइंट है कुछ 239 केल्विन, तो ये बहुत कम है जो 273 से भी कम है, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। और उसकी थिकनेस हैवीनेस इट इज हैवियर देन एयर, इसीलिए क्यों हैवियर है, एयर में होता है O2, 32 उसका मॉलिक्यूलर मास होगा O2 का, 71 होगा Cl2 का, तो बढ़ गया ना 72। तो जब भी आप दोनों गैसों को एक साथ में ऐसे रिलीज करोगे तो क्लोरीन गैस नीचे रहेगा और एयर ऊपर रहेगी, अगर रास्ते में कहीं भी क्लोरीन गैस का टैंकर लीक होता है तो ऑलवेज उसका सरफेस नीचे की ओर रहता है, इसलिए हमें हाइट में सबसे ज्यादा रहना चाहिए। तीसरी और लास्ट बात होगी उसमें सॉल्युबिलिटी की बात है तो वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो ये कॉमन उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आपको ये राइटिंग करना है और ये समझना है और अच्छे से नोट बनाना है। केमिकल प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।